चाइना के बाद अगर बात करें तो सबसे जो हालात इस समय खराब हैं वो अमेरिका के हैं। अमेरिका में एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 345 लोगों की मौत हो चुकी है और हर दिन करीब 10 से 15 हजार कोरोना एक्टिव वहां पर मिल रहे हैं। इटली के भी बुरे हालात हैं। कुल मिला के इस समय देश विश्व के अधिकतर देशों के अंदर यही पोजीशन है कि जिसके अंदर कभी आंकड़ा घटता है बढ़ता है। हालांकि चाइना की हम बात करें तो चाइना में थोड़ा सा अब जो आंकड़ा बढ़ने की स्पीड थी वो कम हो गई है, शुरू वहां से हुआ था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इस कोरोना की चपेट में है वो अमेरिका आ चुका है, चाइना आ चुका है। भारत में भी हालांकि जो हालात हैं वो बिगड़े नहीं हैं, लेकिन अभी हम तीसरे स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरी स्टेज पूरी तरह से भी आई नहीं है, आंकड़े दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। अपने देश में भी 900 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है। राजस्थान में भी कल 50 लोग पॉजिटिव थे जो आज 52 हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की जो अभी रिपोर्ट है वो आना बाकी है। तो कुल मिला के आपसे जो बार बार कहा जा रहा है आपको घर पे रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप इन आंकड़ों को गौर से देखें, ये घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। देश दुनिया में क्या है इस समय हालात, कैसे हैं कोरोना को लेके लोग भयभीत, ज्यादा जानकारी, ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी से। अनिल जी, आप पल पल की खबर अपने पास रख रहे हैं, इस समय ताजा जानकारी क्या है आपके पास, क्या है इस समय पूरी दुनिया के हालात? देखिए, दुनिया में जिस तरह लोग मर रहे हैं वो तो अभी ऐप के जरिए आपने दिखाया जी। सबसे बड़ी बात है, इटली में कल एक दिन में 1000 लोग मरे हैं जी। और जिस तरह अमेरिका में 1 लाख से ऊपर संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है, उसको देखते हुए भारी चिंता की बात है। अमेरिका सबसे सक्षम देश है, सबसे ज्यादा लिटरेट लोग, पढ़े लिखे लोग, सिविलाइज्ड लोग माने जाते हैं वहां के जी। दुनिया में अनुशासन भी मानते हैं, वहां पर 1 लाख से ऊपर आंकड़ा चला गया है और मौतें भी वहां काफी ज्यादा है, 1700 के आसपास मौतें हो चुकी है। तो अभी दुनिया के सामने ये चुनौती है कि ये सोसाइटी में संक्रमण एक दूसरे से ना फैले। हमारे यहाँ भी जो लोग भारत में आए दूसरे देशों से, उन्होंने छुपा के रखा, खासतौर पर राजस्थान में भीलवाड़ा में लोगों ने छुपा के रखा और उसके बाद में वो फैलते चले गए। जिस डॉक्टर ने देखा लोगों को, नर्स जो उसके साथ थी, ऐसे अभी भी मेरा अनुमान है कि राजस्थान के कई शहरों में बाहर से आए हुए लोग छुपे हुए बैठे हैं। मैं चैनल के माध्यम से उन सबसे अपील करना चाहता हूँ, जो भी टीवी देख रहे हैं, अगर आपके घर में भीलवाड़ा से आया हुआ कोई व्यक्ति है जी, पुलिस से ना छुपाएं, बताएं, उनकी जांच कराएं। अगर आपके घर में विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति है, चीन से आया हुआ, सऊदी से आया हुआ, कोई दुबई से आया हुआ, इंग्लैंड से आया हुआ, अमेरिका से आया हुआ, प्लीज प्लीज ना छुपाएं, प्रशासन को बताएं, उनकी जांच कराएं। ये उनके लिए भी हितकर है, आपके लिए भी हितकर है और पूरे समाज के लिए जरूरी है जी। एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि अमेरिका ने काफी बड़ी राहत की घोषणा की है देश दुनिया के 154 देशों को देने के लिए। ये अमेरिका का स्वभाव ही है, सबसे बड़ा होता है तो सबको करता है मदद। अमेरिका दुनिया में अर्थव्यवस्था में तो सबसे बड़ा भारत है जी। उसने भारत को भी काफी मदद की है, $2.9 मिलियन मेरे ख्याल से जी, और दूसरे दुनिया के देशों को भी मदद की है कोरोना से लड़ने के लिए। और कई देशों ने हाथ मिलाए हैं, भारत सहित कई देशों ने इसकी बीमारी का इलाज खोजने में जो रिसर्च हो रही है उसमें एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए। ये एक ये मतलब ऐसा है जो हम अदृश्य ताकत से लड़ रहे हैं। अनिल जी, जानते नहीं उसको, देखते नहीं। एक चीज पूछना चाहती हूँ आपसे, मेरा मन में बार बार एक सवाल आ रहा है, अमेरिका हो, इटली हो, ये देश ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के बारे में बात करें, संसाधन के बारे में बात करें, अभी आपने आर्थिक रूप से कहा बहुत सक्षम हैं, फिर ये क्यों हालात काबू नहीं कर पाए? ये समझ से परे है, हम तो यहाँ बैठ के क्या समझ सकते हैं। या तो वहाँ के लोगों ने बहुत बेपरवाही लापरवाही बरती, वो अनुशासन का पालन नहीं किया, या एक एक दुनिया में आरोप लग रहा है कि भारत में टेस्टिंग कम हो रही है इसलिए भारत में आंकड़े ज्यादा साफ नहीं आ रहे सामने जी, वैसी टेस्टिंग होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम टेस्टिंग हो रही है भारत में,
भारत में टाइमली लॉकआउट किया गया, टाइमली सबने, जैसे राजस्थान में सबसे पहले लॉकआउट किया गया जी, तो हमने टाइमली एक्शन उठाया। अब कोई महामारी है तो उसका वहाँ के क्लाइमेट पे भी, कल मैं एक स्टडी देख रहा था जी, कि जो यूरोपीय देशों का क्लाइमेट है वो कोरोना को सबसे ज्यादा सूट करता है, चीन का और यूरोपीय देशों का, जहाँ बर्फ पड़ती है और ठंड पड़ती है और वहाँ की सतह पर ही ज्यादा जिंदा रहता है जी, जी जी। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत की सतह पर कम जिंदा रहेगा, उसकी लाइफ कम होगी। और ये जो स्टडी है, ये जो कोई कंफर्मेटिव स्टडी नहीं, लेकिन दुनिया के कुछ संस्थानों ने ही खोज निकाला है जी, और वो इस पे और आगे रिसर्च कर रहे हैं। तो ये भी संभव है कि भारत के क्लाइमेट में इसका उतना विस्तार ना हो जितना विस्तार इसका उन देशों में हो जहाँ बर्फ खूब पड़ती है जी, बर्फ में ढके रहते हैं, ठंड रहती है जी। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, इन देशों में जो जबरदस्त आंकड़ा बढ़ रहा है उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं वहां के क्लाइमेट को मानता हूँ जी। दूसरा ये समझ से परे है कि इतने वेंटिलेटर है उनके पास, इतने साधन है, हमारे पास तो वेंटिलेटर भी नहीं है देश में। मैं यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समझ से परे हो रही है ये सारी चीजें। हाँ, तो वो लोगों ने उनकी कल्चर हाथ मिलाने की, हमारी कल्चर नमस्ते की ज्यादा है जी, तो वो हाथ मिलाने वाली कल्चर ने शायद उनको दुख दे दिया ऐसा लगता है। हम एक वीडियो देखा था जिसमें कहीं चार्ल्स भी कार से उतरते हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं जी, जी। सामने वाला हाथ नहीं बढ़ाता था, वो नमस्ते करते हैं जी जी, फिर वो दूसरे के आगे फिर हाथ बढ़ाए थे, फिर दूसरे भी हाथ में मिलाने की कोशिश करता है तो फिर नमस्ते करते हैं। तो शायद हो सकता है वो लोग बच गए हों, वो लोग बच गए हों, वो पॉजिटिव नहीं हुए हों जिन्होंने उनसे हाथ नहीं मिलाया, नमस्ते कर लिया। हाँ, शायद बच गए हों बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आपको मैं ये भी इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि विदेशों में प्रश्न है कि आमतौर पर स्त्री पुरुष का फर्क नहीं, सब एक दूसरे को चूमते हैं जी, उम्र का भी ख्याल नहीं होता और ये एक कल्चर का तरीका भी है जी। तो वो क्या है कि मुंह तो सबसे ज्यादा खतरनाक है इसमें वायरस को फैलाने के, नाक और मुंह और आंख जी। तो वो जो वहाँ पे ये भी परंपरा है एक दूसरे को चूमने की, हक करने की, तो हक करने की परंपरा, चूमने की परंपरा, हाथ मिलाने की परंपरा, हो सकता है ये, अब इनके तो कोई वीडियो आते नहीं है लेकिन जी, ये जी। आदत में होती चीजें जी जी। भारत में बहुत सारे लोगों ने बहुत दिनों बाद हाथ मिलाना बंद किया, स्वभाव से हाथ मिलाने लग जाते हैं, लेकिन नमस्ते का प्रचलन यहाँ काफी है, परंपरा में है, स्वीकार्य है जी, इसे लोगों ने अपना लिया जी। मैं समझता हूँ हाथ मिलाने से, चूमने से और हक करने से, इन चीजों से इसकी ज्यादा बढ़ी है, मेरे को ऐसा लगता है, और ये बात उन्होंने समझ नहीं पाए समय रहते जी। चलिए, ये तो दुनिया की बात हुई। अनिल जी, देश में जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एक्शन लिया जा रहा है, जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, कोई भी सरकार कितना काम कर सकती है, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए भी जो आदमी है जी, उनके लिए भी संक्रमण का खतरा है। ये नहीं कि हम रोबोट से काम करा रहे हैं जी, हम दवाई बांट रहे हैं, हम गश्त दे रहे हैं, हम इलाज कर रहे हैं, हम खाना गरीबों को पहुंचा रहे हैं जी, हम राशन की दुकान खुलवा के वहाँ पे सोशल डिस्टेंस क्रिएट करा रहे हैं जी, वो भी तो आदमी कर रहे हैं, वो भी भारतीय है, चाहे पुलिस वाला है तो, चाहे मीडिया का आदमी है तो, चाहे मेडिकल का आदमी है जी। तो इसलिए जिनसे हमें काम कराना है वो भी संक्रमण के खतरे में है, बिल्कुल सर्वाधिक खतरे में, ज्यादा खतरे में जी। तो इसलिए जो सरकारी मशीनरी है वो कोई देवदूत नहीं है, वो जितना कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल किया जा रहा है जी, क्योंकि हमारा देश एक आध्यात्मिक परंपरा का देश है, यहाँ पे मानव मात्र की सेवा को धर्म माना गया है, इसलिए उसी बात को स्पिरिट में लेकर के, उस लेटर एंड स्पिरिट में लोग काम को कर रहे हैं जी। और सरकार सजग है, जितना मेहनत कर सकती है वो कर रही है। खासतौर पर जैसे मजदूर भाग रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यही आपसे पूछ रहे हैं, जो पलायन हो रहा है मजदूरों का, सड़कों पे हम देख रहे हैं रेले के रेले निकल रहे हैं, लोग अपने सामान लाद के चले जा रहे हैं भूखे प्यासे, ना कोई उन्हें व्हीकल मिल रहा है, तो उसके लिए क्या और प्रयास होने चाहिए? राखी, ये आंसू लाने वाली बातें हैं जो दृश्य देखते हैं हम टीवी पर जी, छोटे छोटे बच्चों कंधे पे उठा के लोग 500 मील 400 मील दूर जा रहे हैं जी। अब राजस्थान सरकार ने भी फैसला किया है कि जो सीमा पर आ जाएंगे, राजस्थान की सीमा पर, उनको राजस्थान में अपने गांव पहुंचाएंगे बसों में जी। और दिल्ली में सरकारों ने फैसला किया है, यूपी वालों की सरकार यूपी ले जाएगी लोगों को, आखिर वो अपने तो है ही, लेकिन ये फैसला भी 3-4 दिन बाद हुआ। जो भगदड़ मची, उस भगदड़ में कौन कोरोना वायरस अपने गांव पहुंच जाएगा जी, और कौन जाकर अपने गांव को संक्रमित कर देगा, इसका कोई अता पता नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है। मुंबई से भर के हजारों बसें सुमेरपुर, सांचौर, भीममाल, इन तखतगढ़, इन इलाकों में आ चुकी है, अब वो उनमें से कोई वायरस ले आया होगा
तो पता नहीं उन गांवों का क्या होगा। तो ये अब इतना भगदड़ में सब कुछ हुआ, इतना तेजी से हुआ, और सरकार के साधन भी सीमित हैं, पैसे भी सीमित हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई है, टैक्स आना बंद हो गया है, टैक्स कलेक्शन जीरो हो रहा है जी, और न मकानों की रजिस्ट्री हो रही है, न आबकारी के पैसे आ रहे हैं जी जी। आखिर जो भी सीमाएं हैं उनमें बेस्ट पॉसिबल जो सरकारें कर सकती है कर रही है जी। बस ये है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, वेंटिलेटर्स कम है, हमारे पास मास्क भी कम है, और उनका निर्यात समय पर नहीं रोका गया, ये जरूर एक बात हॉल्ट सब चैनलों पर बातचीत में आ रहा है सामने जी। लेकिन फिर भी हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो भरसक प्रयत्न कर सकते हैं अपने नागरिकों को बचाने का जी, जीवन को बचाने वो कर रहे हैं जी। और हम तो यही सहयोग कर सकते हैं, घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर के भीतर भी जी, एक साथ होते हुए भी अलग अलग रहें जी, इसका ध्यान रखना जरूरी है जी। चलिए, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।